दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट। जिला चंबा में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार कोरोना महामारी के चलते सादगी पूर्ण तरीके से मनाया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुए जामा मस्जिद चंबा में नमाज अदा की। कोविड के नियमों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंस बनाकर सभी ने नमाज अदा की। इससे पहले इस दिन चंबा के ऐतिहासिक चौगान नंबर 5 में सभी लोग इकट्ठा होकर ईद की नमाज अदा करते थे और एक दूसरे से गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं देते थे, मगर कोरोना महामारी के चलते 2 वर्षों से बकरीद सादगीपूर्ण तरीके से मस्जिद परिसर में मनाई जा रही है। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अल्लाह ताला से इस कोरोना से पूरे देश को निजात दिलाने की दुआ की। महतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आज ईद उज़ुहा यह जामा मस्जिद ज़िला चंबा में कोविड 19 के गाइडलाइंस और सरकार की हिदायत के मुताबिक नमाज ईद उज़ुहा अदा की जा रही है। इसको क़ुरबानी की भी ईद कहते हैं और यह यहाँ मुख्तसर से वक्तों में 10-15 मिनट में ईद उज़ुहा की नमाज अदा की गई और सरकार के गाइडलाइन और हिदायत के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग यानी दूरियों के मुताबिक रहकर नमाज अदा की गई। पहले तो मैदान में चौगान में अदा करते थे, लेकिन अब जब यह महामारी है तो ये मुनासिब बात नहीं है कि वहाँ अदा की जाए, और इसी वजह से यहाँ मुख्तसर सी जमात करके जामा मस्जिद ज़िला चंबा में ईद की नमाज़ अदा की जा रही है। मैं सदर अंजुमन इस्लामी ज़िला चंबा डॉक्टर इसरार अली शाह, आज आप सभी चंबा वासियों को और हिंदुस्तान के लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आज हमने बिल्कुल जो सरकार की गाइडलाइन से उसके तरीके से हमने ईद की नमाज़ अदा की है, और ज़्यादा लोगों से हमने ये अपील की है कि अपने घरों में ईद की नमाज़ पढ़ें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। और हमने भी यहाँ पे जामा मस्जिद चंबा में जितना हो सके उतनी सोशल डिस्टेंसिंग की कोशिश करी है और सब ने मास्क लगाए हैं और जो प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना था वो मेंटेन करके हमने ईद की नमाज़ को अदा किया है। और हमने अल्लाह से ये दुआ करी है कि ये जो कोरोना महामारी हमारे भारत में फैली हुई है वो जल्दी से जल्दी इसकी मुक्ति हो रही, इसके हमें निजात मिले।